पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। शर्मिष्ठा मुखर्जी 11 अप्रैल को उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म रुद्रपुर और दिनेशपुर बंगाली बहुमूल्य क्षेत्र में छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करेंगी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने बंगाली समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। 2014 में बीजेपी ने कई सारे वादे किए थे लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। लाख रुपया हर हिंदुस्तान के हर नागरिक की बैंक से जमा करने से लेकर सालाना 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना, लेकिन 15 लाख का बात तो छोड़िए, 15 पैसा भी किसी का पास नहीं आया। और 2 करोड़ जॉब का तो बात छोड़िए, सालाना अब तक तो 10 करोड़ हो जाना चाहिए था। हम देख रहे हैं, ये सरकार के अपने डेटास बता रहे हैं, अपने आंकड़े बता रहे हैं कि 45 साल में, पिछले 45 साल में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये सरकार जो है बीजेपी सरकार, ये सिर्फ चंद अपने करोड़पति जो दोस्त हैं उनके लिए है, और जो देश की गरीब है, किसान मजदूर है, जो महिलाएं हैं, जो युवा शक्ति है, जो देश की आम जनता है, उनको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं।